बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित जेपी कॉलेज में आज 75वें वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री प्रेम कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कॉलेज परिसर में 50 विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे। यह वृक्षारोपण राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी जल जन हरियाली अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में लगभग 9.4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अपने संबोधन में मंत्री प्रेम कुमार ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़कर ही मानव सुख शांति और समृद्धि पा सकता है। आधुनिकता के कारण आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रही है। मंत्री प्रेम कुमार ने पेड़ों के अनेक लाभों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि एक पेड़ सालाना 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और 700 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा पेड़ प्रदूषण कम करने, तापमान नियंत्रित रखने और जैव विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार की नई पहल के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि सीड बॉल तकनीक के माध्यम से नंगे पहाड़ों को हरा भरा बनाएंगे। इसके लिए ड्रोन और आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। वन जो थे मात्र 7% थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार हमारे बिहार में जब आई 2005 में, हम लोगों ने बिहार में आज जो 7% बढ़ाकर हमने 15% कर दिया। 17 का लक्ष्य हमारा जाकर जंगल के अंदर और जंगल के बाहर पेड़ लगा रहे हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मत्स्यमान सड़कें दोनों तरफ कई स्टील गैबियन बम्बू गिवन के माध्यम से, और जो पहाड़ हमारे दक्षिण बिहार के नंगे पहाड़ हैं, सीड बॉल के माध्यम से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। सीड बॉल के माध्यम से मिट्टी और खाद मिलाकर बीज अंदर डालकर और मैनुअल, और जहाँ मैनुअल नहीं होगा ड्रोन के माध्यम से और सत्ता पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम पहाड़ों पर छिड़काव करेंगे ताकि पहाड़ों को हरा भरा बनाने की हमारी योजना है। निश्चित तौर पर हम सबों का ध्यान है, आप सबों का सहयोग मिलता रहता है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पूरा दुनिया संकट के दौर से गुजर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री का भी नारा एक पेड़ माके नाम वही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है जल जीवन हरियाली। दोनों हमारे दो नेता दोनों के नेतृत्व में हम लोग जलवायु परिवर्तन का संकट हटने के लिए बिहार वासियों से निवेदन करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभ प्रातःकाल 9:30 बजे और एक अन्य मार्ग में गया था वहाँ और एक पेड़ लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत किया करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए देशवासियों का सहयोग। एक क्वेश्चन आओ सर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।